नदी कह रही है गांव से अगली बार आऊंगी तो बहा ले जाऊंगी। नदी की इस धमकी ने इन गांव वालों के होश उड़ा दिए। प्रकृति के प्रकोप पर तो इनका बस नहीं, लिहाजा प्रशासन से ही हाथ उठाकर ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि हमें बचा लो। बारसोई प्रखंड के अंतर्गत बिहोर पंचायत के नेजराबारी गांव के लोग हैं ये, और इस गांव को अपनी आगोश में लेने के लिए नागर नदी बेताब खड़ी है। नदी के पानी ने जो कटान किया है उसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे पहले साल 2017 में नागर नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया था। नदी में आई भीषण बाढ़ ने कई घरों को अपने साथ बहा लिया था और गांव के किसानों की कई एकड़ जमीन को अपनी आगोश में ले लिया था। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार इस गांव में बोल्डर पिचिंग नहीं करेगी तो अगली बाढ़ में इस गांव की आधी आबादी को नदी अपनी चपेट में ले लेगी। मोहम्मद मंजूर और मोहम्मद रहमान जैसे लोगों का कहना है कि उनकी जमीन में अधिक मात्रा में नदी से बालू आने के कारण पूरी जमीन बंजर हो गई है। उन खेतों में अब कोई फसल नहीं उगती, जिसकी वजह से जीना दुश्वार हो चुका है। हरीशों में सा है, दो ठो बच्चा मर गया, जाने आने में खूब तकलीफ हो जाता है हम लोग का, कोई सुनवाई नहीं करता है। तीन चार बच्चों से हम लोग को परेशान है, एक जगह जमीन भी बर्बाद हो जाता है, कितना जमीन हम लोग का बालू गिर गया है। इन गांव वालों की चिंता बेवजह नहीं है, तस्वीरें भविष्य की मुश्किलें बयां कर रही हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इन लोगों की मुश्किलें क्यों नहीं समझ पा रहा, ये बड़ा सवाल है। मोहम्मद मिनारुल, टाइम्स न्यूज, बारसोई।